यहाँ पे बहस चल रही है मूवी की, मेजर मूवी लगी है देखे ना देखे, क्योंकि टाइम ऑलरेडी भी कितना हो चुका है। वेलकम दर्शकों, कैसे हैं आप सब लोग, वेलकम बैक टू शिफाली ब्लॉग्स। तो आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो मुझे भी नहीं पता है कि क्या होने वाला है। तो बस अभी हम अभी उठे हैं, मतलब सॉरी पहले ही उठ गई थी, नहा लिया है और दिन हो गया अब तो मैंने सोचा चलो कुछ ब्लॉग बनाया जाए, कुछ ब्लॉगिंग करी जाए। तो बस यही सब, चलिए फिर रूम में चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। मामी सो रही है, पापा बैठे हुए हैं। यहाँ पे इंग्लिश मूवी चल रही है। मामी मेरा चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, तू मेरी आंखों का तारा है तू। मम्मी 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 मम्मी, मेरे को नहीं लगती कैसे नहीं। अच्छा और उम्र के हिसाब से नहीं लगती है। उम्र के हिसाब से लगती है मम्मी, ऐसे कैसे उम्र के और कुछ करना। मम्मी के साथ लेट चुके हैं हम। मम्मी कुछ बोलना चाहोगी? क्या बोलना चाहूँ, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। मम्मी सारे गाल का फैट एक ही गाल में आ गया, देखो सूजन आ गई। नहीं इधर से देखो, ये आले गाल में देखो ना, तुम ऐसे करके लेटो, ये देखो सारा फैट उसे ही काल में लटक गया। लटक गया रे, दिल तो अटक गया। मोटी हो गई मोटी। मम्मी अभी क्या बनाएंगे हम? मैं तो कुछ मुझे नहीं पता क्या बनाएंगे। मम्मी तुम्हारा मुंह बहुत फैटी फैटी हो गया, दिखाई दिया जरा एक बार। क्या दिखाऊं? मुंह दिखाओ सीधे बैठो पहले। यार तू परेशान मत कर, मम्मी तुम्हारा पसीना मेरे गाल पे लग गया। छी अभी मैं मजाक निकल, मेरे हाथ में दर्द हो रही है, तू लेट ही देखियो चला। की कर सुन ले आज ओ भी पा, दर्शकों को कोई गाना सुना दो। तू बाल दब रही मेरे, ले गाना सुना दो भाई, गाना सुना दो रे, कोई सुना दो यार, गाना सुना दो, गाना कोई पापा। मसायर तो नहीं मगर हंसी, मैंने देखा जब से तुझको मुझको आशिकी आ गई। तो इतना जोक सपाट करने के बाद मुझे लग चुकी है भूख, अब मैं खाना देखने आई हूँ कि क्या है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, दिस इज आलू एंड इन दिस परोठा इज देयर। तो अब हम क्या करेंगे? तो अब मैं क्या करूंगी, मैं लूंगी एक पराठा लाइक दिस, इसमें डालूंगी मैं आलू लाइक दिस, अब इसको बना लेंगे हम पोहा। मैं आलू पराठा प्लेट में नहीं रख के खाती, मैं क्या करती हूँ इसको फोड़ लेते हैं हम ऐसे, देन फिर क्या करते हैं इसका बनाते हैं यहाँ से पोहा लाइक दिस लाइक दिस। ये गिर गया नीचे। तो ये बन चुका है मेरा सैंडविच, आलू सैंडविच, सस्ता आलू सैंडविच। तो अब मैं इसको खाऊंगी और खाकर मिलूंगी। ओके हेलो अगेन, थोड़ी देर में सो गई थी, अब मैं हो चुकी हूँ रेडी, मैं जाऊंगी थोड़ा बाहर, देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। लेट्स सी व्हाट मम्मी इज डूइंग। मम्मी क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बर्तन लगा
खाना मम्मी का जूड़ा देखो कितना प्यारा लग रहा है अभी खाना। ओ वाह पुष्पा पुष्पा अभी हम मम्मी तुम तो नींबू की सिकंजी बना रही थी मेरे लिए। हाँ बना रही। गाइस पिया कीजिए नींबू की सिकंजी। गर्मियों में तो पूरी राइम जैसी पड़ जाती है गर्मियों में हमें बोल के देखा मम्मी पूरी ऐसे बोलते गर्मियों में हमें नींबू की सिकंजी पीनी चाहिए ऐसी बोलती हो ना तो ऐसी बोलती ना गर्मी में हमें नींबू की सिकंजी पीनी चाहिए नहीं जैसे तुम बोलते गर्मियों में हमें नींबू की सिकंजी पीनी गर्मियों में हमें नींबू की सिकंजी पीनी चाहिए क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है बड़ी किचन में बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है गर्मी से तो मेरा मन करा पहले मैं नींबू की सिकंजी पीऊ फिर बर्तन धोऊ फिर किचन साफ करूँ फिर मैं थोड़ी देर आराम करूँ। मम्मी बस बस इतने सारे काम मत गिनाओ पर सोचेंगे कि मैं कुछ काम ही नहीं करती हूँ घर में सब जगह के लाइट के खोल देगी क्या दिमाग खराब हो गया है क्या वहाँ पीजी यहाँ पीजी। अभी हम पियेंगे नींबू की शिकंजी काम कर मेरे दिमाग खराब मत कर मेरा अभी हम दिमाग खराब करने किचन में आ जाती है काम तो करके काम करने के बदले ध्यान बटाते रहती है मेरा मम्मी अब क्या कर रही मम्मी बस सिकंजी सिकंजी मजामी मजामी उधर सिकंजी सिकंजी कहा है मम्मी इतने सारे तो ग्लास रखे हैं हमारे पास ग्लास ही ग्लास है कौन धोए उनको यहाँ आए इसलिए आपने बुलाया इसलिए आप यहाँ सिकंजी पीने के लिए आए कुछ भी तुम्हें कुछ जमा नहीं आप यहाँ सिकंजी पीने के लिए आए कुछ बना नहीं आप यहाँ किचन में आए इसलिए क्योंकि मम्मी नींबू की सिकंजी बना रही है सिकंजी पीने के लिए आए मम्मी पूरी कहानी की ऐसी तैसी कर दी गाना कुछ और है आगे यहाँ मजाक मत कर चले आगे बहुत हो गया नींबू की सिकंजी पीता है। तो अब बच चुके हैं 6 और मैं चल रही हूँ बस आगे से हल्की सी धूप आ रही है बस तो अभी तो मैं जा रहे हैं हम यानी कि आप भी तो चल रहे हो ना मेरे साथ तो इसलिए हम मैं अब हम ही बोलूँगी मैं नहीं बोलूँगी हम क्योंकि जो देख रहा होगा वो भी तो साथ में मेरी ऑडियंस है ना छोड़ यू व्हाट हैपन ये तो मेरे ही पास आ रही है हाय हेलो 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 अच्छा एटीट्यूड हाँ हाँ जाओ जा रहे हैं जैसे कि आप सभी को पता है कि आज संडे है तो हम सब जा रहे हैं मतलब अभी पीछे लोग हैं आपको धीरे धीरे मिलने को मिलेगा तो अब हम यहाँ पे आए हैं संडे का दूसरी में लंदू के साथ एंड पूनम दीदी ले रहे हो।
तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं वॉको में। अरे नहीं तो नहीं तो पहुंच गए जी। अच्छा गुप्ता जी, ये वर्मा जी, वर्मा जी, गुप्ता जी, आप तो गुप्ता जी हो। तो हम तो अब हम इनसे बोलते हैं ना। यहाँ पे बहस चल रही है मूवी की, मेजर मूवी लगी है देखे ना देखे, क्योंकि टाइम और भी देखे कितना हो चुका हो, 8 बजे। हाँ 8 बज चुका है। बट दीदी ये नाइट का व्यू बहुत कुछ अलग होता है ना, नाइट में घूमना ही बहुत बहुत अलग बात है। हेलो इस मॉल में आके क्या हो सकता है, फोटो सेशन, फोटो सेशन चल रहा है यहाँ पर। यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है कि क्या पकाया जाए, पोटैटो स्टिक्स ही पका दिए हैं कैसे, पोटैटो चिप्स, डिस्कशन इज गोइंग ऑन कि क्या खाया जाएगा यहाँ पर। पोटैटो स्टिक्स खाओगी दीदी? तूने क्या मंगवाया, तूने क्या मंगवाया? नूडल्स। ओह माय गॉड। और नन्नू तुमने क्या मंगवाया? डोसा। जीजू आपने क्या मंगवाया? मसाला मंगाया, डोसा मंगाया। नाइस। हम स्टार्ट करें, हमने क्या क्या साउथ इंडियन और चाइनीज मंगवाया ना, साउथ इंडियन एंड चाइनीज। प्रणाम करो अंकल जी। डोसा मैं फिर डालती हूँ ना मौसी एंड भतीजी। अली अली बोलो, अली 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 ओम को एक बार, बस एक बार, बस एक बार। अरे चल रहे हैं घर की ओर और रात के बज चुके हैं 9। इंजॉइंग आइसक्रीम, गर्मियों में आइसक्रीम खाने का मजा ही नहीं आ रहा है।